प्यारे बच्चों नमस्कार, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में डबल इंटीग्रल पढ़ेंगे और डबल इंटीग्रल में हम लोग पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स और मैं आपको कहूंगा कि जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि आप पहले इसको यहां पर रोकिए, स्टॉप कीजिए और इसके पहले मैं डबल इंटीग्रल का दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पहले आप उसको देखिएगा तभी आप इस टॉपिक को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ मुश्किल हो सकती है। तो आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको समझने का कोशिश करते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कि एक आपका इंटीग्रल है I बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 r 1 टू r 2 f r थीटा dr dθ। अभी तक हम लोग dx dy पे पढ़े थे, इसमें पढ़े थे dx dy पे, वो दोनों आपका कार्टेशियन फॉर्मेट था, कौन सा था आपका कार्टेशियन फॉर्मेट, और ये हम लोग किस पे पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट पे। पोलर कोऑर्डिनेट पे आपका जो है r और थीटा मिलता है, पोलर कोऑर्डिनेट पे क्या मिलता है r और थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट है और यदि इसमें हम लोगों को इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो सुनो, इसमें सबसे पहला काम हम लोग करते हैं इसको r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, समझ गए, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं r के रेस्पेक्ट, और उससे जो आपका रिजल्ट मिलता है इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं इसके रेस्पेक्ट में तो थीटा के रेस्पेक्ट में, ये आपका हो जाएगा सेकंड स्टेप, समझ गए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकंड स्टेप। होप कि अभी तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है आर के रेस्पेक्ट में, फिर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो आपको करना है थीटा के रेस्पेक्ट, ठीक। तो आइए इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू ए कॉस थीटा आर साइन थीटा डी थीटा दिया, समझ गए, और इस चीज को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो आइए इसको सॉल्व कीजिए। एक बात बोलिए तो पहला स्टेप हम लोगों का क्या है, किसी के रेस्पेक्ट में आर के रेस्पेक्ट में, तो आर के अलावा तो सब आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, आर के अलावा सब आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और लिमिट कैसे पकड़िएगा तो लिमिट देखिए ये तो कांस्टेंट लिमिट है ना, जीरो से पाई क्या है कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट लिमिट है लेकिन अभी तक पकड़ाया नहीं है, और ये सेकंड लिमिट जीरो से कितना है, जीरो से ए कॉस थीटा है, यदि इसमें थीटा है तो किसका लिमिट है आर का, उल्टा हो जाता है, यदि थीटा है तो किसका लिमिट है आर का, यानी कि ये आपका जो है ये आपका किसका लिमिट है आर का, और ये किसका लिमिट है वो वाला है थीटा का, ये आपका पकड़ने का तरीका हो गया। जब आप आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा यहाँ पर साइन क्या करेगा, साइन थीटा है ना, इसको बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू ए कॉस थीटा आर डी आर और डी थीटा आपका हो गया बाहर, समझ गए, डी थीटा क्या हो गया तो डी थीटा आपका हो गया बाहर। अब देखिए तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा साइन थीटा, ये आप बताइए तो r के इंटीग्रेशन कितना होगा r स्क्वायर बाय 2, r के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2, ये हो गया r स्क्वायर बाय 2, और लिमिट 0 टू a cos थीटा
और आपका जो है इस तरफ डी थीटा बचा हुआ है, इस तरफ आपका डी थीटा बचा हुआ है। तो आई बराबर देखिए 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर, 0 टू पाई साइन थीटा, अपर लिमिट देखिएगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और लोअर लिमिट जैसे ही आर के जगह 0 रखिएगा तो खत्म हो जाएगा ना, यानी कि लोअर लिमिट आपका नहीं बचेगा, समझिए लोअर लिमिट आपका नहीं बचेगा। अब देखिए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बाय टू कॉन्स्टेंट के बाहर 0 टू पाई, 0 टू पाई साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है, बताइए साइन थीटा पुट कीजिएगा कि कॉस थीटा, कॉस पुट कीजिएगा ना, क्योंकि इसमें पावर 2 है, और याद कीजिए हम लोग क्या जानते हैं, जिसको पुट करेंगे उसको लिखेंगे और उसी को हम लोग डी में घुसा देंगे, समझिए जिसको पुट करेंगे लिखेंगे और उसी को डी में घुसा देंगे। लेकिन एक बार वेरीफाई कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा ना, जबकि यहाँ पर क्या है साइन थीटा है, किसका फर्क पड़ा माइनस दे दीजिए बाहर। तो आई बराबर देखिएगा तो माइनस ए स्क्वायर बाय टू एक्स, अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट, अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि एक्स क्यूब बाय थ्री, समझ लो यानी कि एक्स क्यूब बाय थ्री, कहने का मतलब है कॉस क्यूब थीटा बटे में थ्री, और इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, इंटीग्रेशन आपका हो गया जीरो टू पाई। तो आई बराबर माइनस ए स्क्वायर बाय टू कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 प्लस जीरो माइनस कॉस जीरो माइनस वन, कितना होता है माइनस वन पे पावर थ्री बाय थ्री, और कॉस जीरो कितना होता है बोलिएगा तो वन, कॉस जीरो आपका होता है वन, यानी कि आई बराबर माइनस ए स्क्वायर बाय टू, ये तो माइनस हो गया ना, तो माइनस टू बटे कितना हो गया थ्री, ये भी माइनस वन बाय थ्री, ये भी माइनस वन बाय थ्री, माइनस टू बाय थ्री, यानी कि आई बराबर देखिएगा तो आई बराबर पहले तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस ए स्क्वायर बाय टू इंटू टू बाय थ्री, ए स्क्वायर बाय टू इंटू टू बाय थ्री, टू टू खत्म, यानी कि फाइनली आपका आई बराबर हो गया वन बाय थ्री ए स्क्वायर, और ये भी आपका क्या हो गया आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इवन ये आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, ठीक है, होप कि समझ में आ गया होगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट पे एक सवाल आपको बताया है, इसको नोट कर लीजिएगा।